हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी। बहुत दिनों के बाद मैं अपने इस वाले चैनल पे भी नोज रिंग के कुछ कलेक्शन लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नाक के नीचे वाले थोड़ी में एक नोज़ रिंग डाला है। ये जो है आर्टिफिशियल है और मेरी पियर्सिंग नहीं है नोज की, फिर भी मैंने जो है इसे वेयर किया है। तो इस तरीके का आइडिया आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरीके का रिंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और यहाँ पर नाक पर मैंने एक बिंदी वेयर किया हुआ है, और आप लोगों के लिए एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के नोज़ पियर्सिंग नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से बिंदी परचेज कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में एक से बढ़कर एक नोज़ रिंग चल रहा है, जिसके नोज़ पियर्सिंग नहीं है वो इस तरीके का नोज़ रिंग वेयर कर सकते हैं, नोज़ पिन वेयर कर सकते हैं। तो कुछ गोल्ड के नोज़ रिंग शेयर कर रही हूँ, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल हो या कोई पार्टी फंक्शन हो, ब्राइडल भी मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो हर तरह के नोज़ रिंग मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और इसका जो है वीडियो, मेन वीडियो जो है मेरे मेन चैनल पे है, तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ईयर रिंग वेयर करके दिखाया है, जो कि मेरा ईयर रिंग्स है। तो इस तरीके के जो नोज़ पिन वगैरह है, गढ़वाल वगैरह में पहनते हैं, काफ़ी हैवी नोज़ पिन पहनते हैं वहाँ पे, तो आप लोग वेयर कर सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों के नोज़ पियर्सिंग नहीं है तो आप छोटे साइज़ के स्टोन वाले बिंदी भी चिपका सकते हैं नाक में। और स्टेम पियर्सिंग के लिए भी ये आइडिया बेस्ट है, आप बिंदी वहाँ पे भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आई लेसेस वाले जो ग्लू आते हैं उसके साथ उसे चिपका लीजिए, पूरे दिन टिका रहेगा। जब तक आप उसे हटाओगे नहीं वो गिरेगा नहीं, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है वो ग्लू। तो जो फेक लेसेस अप्लाई करते हैं उसके ग्लू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ईयरिंग्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे जो इसके अंदर की कड़ी है उसे काट के वेयर करके आप लोगों को बता रही हूँ। ये भी मेरा एक ईयरिंग है जर्कन का, और इस तरीके का आप लोग ईयरिंग वेयर कर सकते हैं। आप लोग एक नोज़ रिंग बना के आप जब नाक में वेयर करेंगे पार्टी फंक्शन में, जब आप इसे पहनेंगे साड़ी सूट या लहंगे के साथ, तो कोई भी नहीं कहेगा गाइस कि ये एक ईयरिंग्स है, ये पूरा नोज़ रिंग का ही काम करेगा। आप देख सकते हैं, आप लोग को मैं बता रही हूँ तो इसलिए आपको पता चल रहा है ये एक ईयरिंग्स है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक ईयरिंग्स है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा हैक है। तो ये एक सिंपल नोज़ रिंग शेयर कर रही हूँ जो कि गोल्डन में है, बट ये गोल्ड का नहीं, आर्टिफिशियल है। तो इस तरीके का मार्केट में बहुत सारे नोज़ रिंग अवेलेबल है, और विदाउट पियर्सिंग वाले भी नोज़ रिंग अवेलेबल है जिसे आप चिपका के पहन सकते हैं। टिक वाले भी बहुत सारे चल रहे हैं आजकल मार्केट में, और मैं बता दूं मैग्नेट वाले भी बहुत सारे जो है ईयरिंग्स नोज़ रिंग चल रहे हैं। और ब्लैक मेटल में तो आप सबको पता है नोज़ पिन काफ़ी टाइम से चल रहा है, और ब्लैक मेटल में तो आपको एक से बढ़कर एक मिल जाएगा। गोल्ड में भी आपको गोल्डन में भी एक से बढ़कर एक मिल जाएगा। तो अगर इसका मेन वीडियो सारा मैंने कैसे इनको वेयर किया है, कैसे पहना है, तो आप मेरे मेन चैनल पर जाइए इंडियन यूट्यूबर वोनिका व्लॉग्स में, तो वहाँ पे आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी कि कैसे मैंने इन सबको वेयर किया है। तो यहाँ पे एक मैंने और अगेन हैक तैयार किया है। ये जो आप चैन देख रहे हैं, ये एक गले का चैन है जिसे मैंने यहाँ पे नोज़ रिंग का चैन बना के वेयर किया है। तो गाइस, ये सब आपके लिए एक हैक है। और नाक में भी जो मैंने वेयर किया है वो भी एक ईयरिंग्स है। तो मेरे हैक्स नोज़ रिंग के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए नोज़ रिंग से रिलेटेड एक नया हैक लेके आओ, एक नया आइडिया लेके आओ, तो मेरी वही पूरी कोशिश रहती है। और काफ़ी जो है मैं नोज़ रिंग को लेके सर्च भी करती हूँ, और हर बार डिफरेंट टाइप के नोज़ रिंग और नोज़ पिन वगैरह जो है मैं कलेक्ट करके लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरे नोज़ रिंग की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी।
We'll be right back.